नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की। जैसे कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन जो कि 30 अप्रैल 2023 को खत्म हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल थी। जिन माताओं बहनों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनके लिए फिर से एक बार पोर्टल मई में ओपन किया जाएगा, तो वहां से आप फॉर्म डाल सकते हैं। आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, आप अपने आवेदन, अगर आपने आवेदन किया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है या नहीं, या आपका आवेदन निरस्त कर दिया गया है, या स्टेटस कैसे चेक करें। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप पीसी में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और वहां पर सर्च कर दिए सीएम लाडली बहना योजना। सीएम लाडली बहना योजना जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। इस वेबसाइट में हमने बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने अंतिम सूची, अपने गांव की पात्र महिलाओं की सूची कैसे देखें, डीबीटी आधार लिंक कैसे करें, और यहाँ पर एक और वीडियो आज प्रोवाइड करूंगा कि आपत्ति कैसे दर्ज करें। आज का टॉपिक जो है वो आवेदन की स्थिति पर है, तो उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पर इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। आवेदन की स्थिति पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तीन स्टेप देखने को मिल जाएगी। पहले समग्र सदस्य कैप्चा और ओटीपी, यहाँ पर हम अपने सदस्य आईडी या ऑनलाइन पंजीयन पावती का आवेदन क्रमांक डाल देते हैं, तो 10। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर देते हैं, कैप्चा फिल करने के बाद ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जा चुका है, तो हम ओटीपी यहाँ पर अपने चेक कर लेते हैं आया है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ओटीपी भेजे पर क्लिक करा, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि हमारे समग्र आईडी में जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक ओटीपी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हम कुछ देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ओटीपी डालकर सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एक ऑप्शन देखने को मिल रहेंगे। यहाँ पर आपको जो मेन ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखना है आवेदन की स्थिति, ठीक है। आवेदन की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, आवेदन की स्थिति अभी हमारे में हाँ है, मतलब हमारा फॉर्म अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। जैसे आपका फॉर्म यदि रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पर डीबीटी की स्थिति यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आधार से लिंक है या नहीं बैंक, और यहाँ पर आपको पावती अगर डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर व्यू पावती का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक देखने को मिला, यह सभी यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी नई अपडेट के लिए चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।